हाल ही में सेशन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया था किस तरीके से जो अपराध के मामले सामने आते हैं उसमें कनेक्शन सपा नेताओं का निकलता है। और एक और ताजा मामला, सही बात है, और आपने देखा होगा कि जहां पर मुख्यमंत्री लगातार ही कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस तरह के मामले निकल करके सामने आते हैं तो वो पूरी तरीके से दिल को झकझोर करके रख देती है। और साथ ही जब ऐसा मामला अयोध्या नगरी में निकल करके सामने आए तो लोगों को पहले तो विश्वास ही नहीं होता है कि इस तरह की घटनाक्रम को अंजाम एक नेता के द्वारा दिया जाता है कि लंबे समय तक एक बच्ची का शोषण करता है। और जब मामले का खुलासा होता है तो उसे कहा जाता है, उसके परिवारों को कहा जाता है कि आप 2000 रुपये ले लीजिए और केस को पूरी तरीके से रफा दफा कर दीजिए। तो देखिए, ये पूरा बहुत बड़ा यह आरोप है। और साथ ही जो घटनाक्रम में जो लोग शामिल है उनको हिरासत में भले ही पुलिस ने ले लिया है, लेकिन इस तरह के लोग जब समाज में आते हैं तो वो समाज को पूरी तरीके से धूमिल करने का काम करते हैं। और समाज को यह समझना चाहिए कि इस तरह के नेताओं को कभी भी अपने साथ ना जोड़े, कभी भी इन नेताओं का समर्थन ना करे और इनको पूरी तरीके से समाज से बहिष्कार कर देना चाहिए, क्योंकि ये समाज को दूषित करने वाले नेता हैं। और आपने देखा होगा कि एक तरफ जहां अखिलेश यादव कहते हुए नजर आते हैं कि अयोध्या की जनता ने इंसाफ किया, लेकिन उस जनता के साथ क्या अयोध्या के नेता इंसाफ कर पा रहे हैं? जो अखिलेश यादव कहते हुए नजर आते हैं कि वो पूरी तरीके से अयोध्या की जनता ने इंसाफ किया, लेकिन उस जनता के साथ अयोध्या के नेता इंसाफ करते हुए नजर आ रहे हैं? आपने देखा, बच्ची को पहले तो नौकरी का झांसा दे करके लंबे समय तक उसका शोषण करते हैं और उसके बाद जब प्रेगनेंसी की बात निकल के सामने आती है तो उसका पूरी तरीके से, उसके परिवार का पूरी तरीके से मुंह बंद करने की कोशिश की जाती है, वो भी पैसे दे करके। देखिए, ये मामला पूरी तरीके खुल करके सामने आया। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हम जरूर कार्रवाई कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हम अपराधियों के ऊपर जरूर कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जो ऐसे नेता जो सपा से जुड़े हुए लोग हैं वो पूरी तरीके से समाज को दूषित करते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग इस तरह के घटनाक्रम में शामिल होते वो ज़्यादातर सपा जैसे पार्टियों से नजर आते हैं। और आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा कई बार कार्रवाई की गई है, कई बार महिलाओं के लिए हो रहे जितने भी अपराध हैं और जो भी अपराधी उन अपराध के पीछे शामिल है उन पर कार्रवाई उनके द्वारा की गई थी और अभी भी की जा रही है। तो देखने वाली बात होगी कि इस तरह का जब मामला निकल के सामने आया अयोध्या नगरी से, अब इन अपराधियों के ऊपर किस तरीके से कार्रवाई की जाती है। जी, तो कार्रवाई क्या की जाती है देखने वाली बात होगी। सीधे रुख करते हैं अजय का। अजय, अगर सुन रहे हैं आप मेरी आवाज तो जरा देखिए, समाजवादी पार्टी की ओर से जब हम बात करते हैं लोमस, तो लोमस जिस तरीके से आसपास के इलाके के लोग हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, क्या उन्हें इस बात की जानकारी पहले थी या पहले जब पुलिस ने कार्रवाई की तो इस बात की जानकारी उन्हें मिल पाई है? साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के जो नेता है मोहित खान, इनका इतिहास क्या है, जरा काम क्या करते हैं, घर कहाँ इनका, जानकारी दीजिए। देखिए, आपको बता दूं कि जब इस तरह की जानकारी लेकर के हम किसी भी जो उस क्षेत्र से सांसद जो निकले हैं उनके यहाँ पहुँचते हैं और उनके घर पर जाकर के हम रिपोर्टिंग करते हैं तो उनके घर के सदस्य भड़क जाते हैं। वो बाद में आके कहते हैं कि आपने आधा अधूरा सच दिखाया, आपने सच्चाई नहीं दिखाई, आपने पूरी तरीके से जो सच है वो झुठला दिया है। लेकिन हमारी बात यह है कि जो नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ है, क्या उसके लिए वहाँ का सांसद जो सवाल उठ रहे हैं उस पर क्या वो उन सवालों के जवाब नहीं दे सकते? क्यों उनके परिवार वाले ये कहते हैं कि आप जो आरोप लगा रहे हैं वो गलत है? देखिए, सवाल ये जवाब देने नहीं आ रहा है। बड़ी बात ये है कि इतनी बड़ी घटना हो जाती है और किसी के मुंह से कुछ नहीं निकलता, दही जम जाती है, मुंह सिल जाते हैं इस तरह की घटनाओं को लेकर। आपके पास हम वापस लौटेंगे, लेकिन निषाद पार्टी भी, भारतीय जनता पार्टी ने तो सवाल पूछे, निषाद पार्टी ने भी सवाल खड़े किए समाजवादी पार्टी पर इस तरह की घटना हो जाने के बाद। क्या कुछ कहा, सुनवा देते हैं आप। लोगों का प्रयास था कि जो मेन मुजरिम है पैसा वाला है, वो समाजवादी पार्टी से संरक्षण में पल रहा है, उसको लोग बचाने के लिए पैसे के भी लालच दे रहे थे। लेकिन हम कहना चाहते हैं, 12-13 साल की जो लड़की है उसके साथ दुष्कर्म हुआ, उसकी वीडियो बनाकर जिस तरीके से उसके बाद
उसको प्रसारित किया गया वो अपने समुदाय में, ये जघन्य अपराध है। मैं समाजवादी पार्टी के जो तमाम नेता हैं जो अपनी पीडीए पीडीए की बात करते हैं, मैं भी अगर उस पीडीए में आता हूं, हमारा समुदाय ने समाजवादी को अक्सर करके बहुत बहुसंख्या में वोट इस बार दे दिया है गलती से। आज देखिए पीड़ित है, मैं पीडीए आज जो है यहाँ अवधेश प्रसाद जी हो, पीडीए की बात करते हैं, अयोध्या की बात करते हैं, जनमानस की बात करते हैं, चाहे राशिद खान हो जिनके संरक्षण में आज ये गुंडई हो रही, लगातार हो रही, जब से सांसद यहाँ जीते हैं लगातार हमारे समाज का शोषण हो रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ योगी महाराज से कि इनको जो अवैध जमीन कब्जा किए हैं, पहले तो सबसे पहले इनके बुलडोजर चला के इनको गिराना चाहिए। अगर नहीं गिराते हैं तो हम लोग आंदोलन करने पर बाध्य होंगे, हम निषाद पार्टी के जिला अध्यक्ष होने के नाते, और अभी हमारे तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी पूरे जिले के इकट्ठा हो रहे हैं। प्रशासन से हम हमेशा उम्मीद रखते हैं, हम लोग प्रशासन को सहयोग करते हैं, प्रशासन से सहयोग अगर करते हैं तो प्रशासन से सहयोग चाहिए, जितना जल्दी हो सके उसको गिरफ्तार करके, उसको पकड़ के, उसको साथी के जो उनके उनको संरक्षण कर रहे हैं उनको भी पकड़ के जेल में बंद किया जाए। तो तमाम प्रतिक्रियाएं भी आपको सुनवा रहे हैं, लोगों का गुस्सा अब सामने साफ तौर पर आ रहा है। लोमस, जब हम एक नेता की बात करते हैं, जनप्रतिनिधि की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं, वो लोगों तक सही संदेश पहुंचाने का काम करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, और यहाँ तो खुद नेता अपराध में शामिल है। बिल्कुल आपने सही कहा कि यहाँ पे नेता खुद अपराध में शामिल है, और हालांकि जो समाज है और समाज के विकास की जिम्मेदारी जिस नेता पे होती है, जिसके कंधे पे होती है, अगर वही लोगों को परेशान करता है, वही महिलाओं का सम्मान नहीं करता, वही महिलाओं का शोषण करता है, तो आम व्यक्ति किस पे भरोसा करे, आम व्यक्ति किस पे किसको अपनी परेशानी बताए। आपने देखा कि एक नाबालिग लड़की को नौकरी का झांसा दे करके लंबे समय तक उसका शोषण किया गया, और वो भी एक सपा नेता के द्वारा। उस बच्ची को एक उम्मीद होगी कि आज नहीं तो कल मुझे एक नौकरी मिलेगी जिससे मैं अपने घर का पेट चला सकूं, लेकिन उसके साथ ये शोषण किया जाता है, और शोषण करने के बाद वो जब गर्भवती हो जाती है तो इस पूरे मामले को रफा दफा करने के लिए सपा नेता के द्वारा 2000 रुपए उसके परिवार को दिया जाता है। अब समझ सकते हैं ये समाज में ऐसे लोग पूरी तरीके से गंदगी फैलाते बता रहे हैं किस तरह के हालात बने, और लेकिन लोमस हम अजय के पास अब चल रहे हैं। अजय, ये जो पूरा प्रकरण है ये लंबे समय से चल रहा था, मतलब कई महीनों से ब्लैकमेल, बकायदा वीडियो बनाकर बच्ची को किया जा रहा था, शोषण किया जा रहा था। किस दम पर ये जो नेता है वो इतने समय से शोषण कर रहे थे? क्या उन्हें डर नहीं था? क्या उन्हें किसी तरह का संरक्षण प्राप्त है? देखिए, 100 दिन से गुजरी घटना है, 100 दिन के बाद वो तो पेट में बच्ची के दर्द हुआ, प्रेगनेंसी की बात, डॉक्टर ने बताया कि प्रेगनेंसी है, फिर बच्ची ने टूट गई, उसने पूरी बात पूरा खुलासा परिजनों के सामने कर दिया, लेकिन बच्ची का वीडियो बनाकर लगातार उसके ऊपर दबाव बनाया गया, उसका शोषण किया गया, मानसिक दबाव बना के रखा गया, वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई। यही कारण था कि इस बारे में कोई खुलासा ना परिजनों के आगे ना किसी के आगे लड़की ने किया, नौकरी के नाम पर ये झांसे पे सब कुछ शुरू हुआ। लेकिन 100 दिन से ज्यादा समय गुजर गया, लगातार वो दुकानदार, वो सपा का नेता और उसका जो कर्मचारी, उन दोनों ने मिलकर लड़की का शोषण किया, शारीरिक शोषण किया। अब इस पूरे मामले में पुलिस ने सवाल जो पुलिस से उठता है कि ये लेट टेर द लफ्तफी क्यों, ये जो परिजनों का आरोप है कि देरी की शिकायत की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, उस आदमी की उदंडता इस हद से समझिए कि जब परिजन उसकी दुकान पर पहुंचे तो 2000 रुपए देकर मामले को रफा दफा। ठीक है, ठीक है जी, आपके